नमस्कार, आज हम बनाएंगे बादाम का हलवा। बादाम का हलवा हम बनाने के लिए हमने एक कटोरी बादाम लिए है। इन्हें पानी में भिगो दिया है। ये हमने पूरी रात पानी में भिगो के रखा है, फिर सुबह छील लिया है। आप चाहे तो इनको गर्म पानी में भी डाल सकते हैं, उससे जल्दी छिल जाएंगे ये। उनको पूरी रात भिगो के नहीं रखना पड़ेगा। अब छिलने के बाद में इनको मिक्सी में ग्राइंड करें और इनको ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। ये हलवा बहुत स्वाद बनता है। इनको बीच बीच में आपको चलाते रहिए, नहीं तो बीच बीच में मोटे मोटे रहते हैं। अब फ्राई पैन में आधी कटोरी देसी घी डालिए। अब इसमें बादाम डालिए पिसे हुए। अब इनको भूनिए। जब इनका ब्राउन कलर हो जाए तो इसमें आधी कटोरी पानी डालिए। पानी को अच्छी तरह से पकने दीजिए, फिर इसमें एक कटोरी दूध डालिए। अब दूध को भी पकाइए। जब इसमें गाढ़ा होने लगे तब इसमें केसर वाला दूध डालिए। अब इसको भी थोड़ा सा पकने दीजिए। जब गाढ़ा हो जाए तो इसमें चीनी डालिए, आधी कटोरी चीनी। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा। हलवा तैयार हो गया है। रंग गरम गरम सर्व कीजिए।